नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। देवगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत विजयपुरा के बाहर आबादी शुदा जमीन पर धड़ल्ले के साथ दुकानें बनाने का निर्माण कार्य हो रहा है, जो कि संपूर्ण रूप से अनाधिकृत रूप से कार्य हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनाधिकृत रूप से जो निर्मित दुकानों का निर्माण हो रहा है वो आबादी भूमि पर हो रहा है, लेकिन विजयपुरा सरपंच पति द्वारा अपनी हट धर्मिता से दुकानें बनाने का काम दिन रात जारी है। सचिव अखिल अहमद ने बताया कि मेरे इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है। विस्तृत जानकारी के अनुसार बिना कन्वर्जन के भी पंचायत प्रशासन ने जारी की थी। समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी, पंचायत प्रशासन ने आबादी भूमि पर दुकानें बनाकर किराए देने का निर्णय लेकर कर रहे हैं निर्माण कार्य जारी। विज्ञप्ति में एक भी आवेदन नहीं आया पंचायत में, उसके बावजूद भी अवकाश के दिनों में दिन रात चल रहा है दुकानों का निर्माण का कार्य। सरपंच सचिव की मिलीभगत आ रही है सामने। उक्त मामला देवगढ़ उपखंड क्षेत्र की विजयपुरा पंचायत का है। गिरधर सिंह गहलोत वाला, अभी ये जो विवादित जगह है इसमें जो पंचायत प्रशासन है और मुख्य रूप से सरपंच पति हरदेव कुमार जो आमना से बिलोंग करता है, आजकल यहाँ से लेकर के दान के बाद तक चारागाह की जितनी भी जमीन है उस पर कई सारे अवैध कब्जे करवा दिए, पैसे ले ले करके और पक्के निर्माण तक हो गए। उसमें स्थानीय जनता पंचायत प्रशासन से शिकायत भी करती है तो उसका कोई समाधान नहीं होता है, और जो ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनका धमकी दे करके या फिर आसपास जो भी उसने गलत किया है उसका हवाला देते हुए उन लोगों को उनकी कार्रवाई को दबा दिया जा रहा है और कोई संतोषजनक कार्रवाई वो नहीं कर पा रहा है। तो अगर समय रहते ये चीज़ें प्रशासन ने नहीं संभाली तो फिर आम जनता को ये सब कार्रवाई अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, जिसमें अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो समस्त जिम्मेदारी पंचायत प्रशासन विजयपुरा की रहेगी। जय हिंद, जय भारत।